नमस्कार दोस्तों, योगी के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं योगी क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड से आपका मित्र, आपका बंधु, आपका सखा। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो मेरे पास एक्चुअली एक फॉलोवर का फ़ोन आया, उसने पूछा कि भाई अगर वो इंडिया से यहाँ पे आना चाहे विदेश के अंदर, तो क्या खर्चे वगैरह निपट जाएंगे। तो उसको लगता है कि मैं बहुत रिच हूँ। हाँ, पैसा काफ़ी है यहाँ पे, तो स्टेटस तो है ही मेरे पास। मेन चीज़ ये है कि बात पैसे की नहीं होती है। मैं भी इस तरह की शॉपिंग करता हूँ कभी कभार, रेगुलरली नहीं, लेकिन जब भी मन करे। यहाँ पे भी अच्छा स्टफ़ मिल जाता है कई बार। तो उसने मेरे से पूछा कि कोई सर सस्ती जगह बताओ कि यहाँ पे कैसे, मतलब क्या हम लोगों का तो गुजारा हो ही नहीं पाएगा, जैसे यहाँ पे तो डॉलर्स में बात करते हो। नहीं, यहाँ पे सस्ती जगह भी है, मैं आज आपको दिखा के लेके आता हूँ। एक कपड़ों की दुकान पे लेके चल रहा हूँ आपको, और ऐसे ही घर का सामान भी मिल जाता है, फर्नीचर वगैरह, उसकी भी वीडियो बनाएंगे हम इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको कपड़ों की दुकान दिखाता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, वरना लंबा वीडियो हो जाएगा काफी। इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, ये एक शॉप है, जो भी हो नाम कुछ भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं, आप देखेंगे, दिखाता हूँ आपको। ये शॉपी है, सबने मास्क लगा रखा है। इसका जो व्यू है वो सेवेंथ वेव वेट सूट स्पेशलिस्ट, अगर आपने देखा हो सामने, ये देखो, इसके बिल्कुल अपोजिट में है, ये पार्किंग है हमारी, तो इसके सामने है। और इसका दूसरा लैंडमार्क है फेरी मेट किचन, सामने ब्यूटीफुल आपको होल्सफेल माउंटेन्स का व्यू भी मिल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से बाहर से, बहुत ही पॉश लोकेशन है क्राइस्टचर्च के अंदर, और देखो सामने माउंटेन्स। देखिए आप, ये देखिए समनर के पास का एरिया है, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ पे। यहाँ पे फ्लैट्स जो हैं या घर जो हैं, कम से कम भी दो दो तीन तीन मिलियन के हैं। और इस साइड में देखोगे तो यहाँ पे भी बहुत सुंदर व्यू है पहाड़ों का। मुझे ये जगह सिर्फ पहाड़ों की वजह से पसंद है। हम इस शॉप में जाने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको लेके चलता हूँ। पर मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे रेंज कितनी है और क्या क्या चीज़ें कितने कितने मिल जाती, बच्चों से लेके बड़ों तक के सबको आपको कपड़े मिल जाएंगे यहाँ पर। यहाँ पे ये बेडशीट वगैरह है, चद्दर है, कंबल है, और ये बहुत ज़्यादा महंगे नहीं लग रहे। ये देखो, जैसे ये ब्लैंकेट की बात करें तो ये मात्र $20 का है, ₹1000 का, काफ़ी अच्छा कारपेट है। ये कंबल देखेंगे, बहुत नए जैसा कंबल है, $38 के अंदर, प्योर ब्लैंकेट है, प्योर वूल का। ये टोपियाँ मिल जाएंगी आपको $0.50 के अंदर, 50 सेंट मतलब ₹10 के आसपास, मेरी ₹100 के हेड मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। हर तरह की टोपीज हैं यहाँ पे, ये देखो कितना बढ़िया टोपा है। मैं यहाँ से काफ़ी बार लेके जाता हूँ सामान, क्योंकि मेरे को एंटिक चीज़ों का काफ़ी शौक है। आप देख सकते हैं ये सारी जो है वो $2 के अंदर हैं ये सब कपड़े। यहाँ पे टाइज भी मिल जाएंगे, देखो कुशन्स हैं यहाँ पे, यहाँ पे डिज़ाइनर ड्रेस मिलते हैं। ये देखो बड़ी सुंदर सुंदर ड्रेसेस हैं यहाँ पे, $2 की लड़कियों के लिए। तो बंदा मेरे से पूछ रहा था कि भाई मैं कोई सस्ती जगह बताऊँ आपको, तो यहाँ पे ये मतलब समझ लो कि जो गरीब लोग हैं, जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे से खरीद सकते हैं हर तरह के आइटम। देखो $2 में हेलमेट मिल जाएगा, $2 की जगह है सारी, कितने बढ़िया जूते हैं।
एकदम नई जैसे जूते, समझ रहे हो? ये देखो ये सारे के सारे जूते $2 के अंदर है, हर तरह के डिजाइनर। और ये सब पैंट्स जो हैं ये $2 की हैं, $2 में कुछ भी नहीं आता। यहाँ पे जो कॉफ़ी है हमारे यहाँ पे वो $5 की मिलती है। और आप सोचो कॉफ़ी अगर $5 की मिल रही है तो $2 में जूते मिल रहे हैं, चप्पल मिल रही है और साथ में कपड़े मिल रहे हैं। देखो पैंट जो है, शर्ट्स ही हैं, काफ़ी लंबी रेंज और बहुत अच्छी वैरायटी है यहाँ पे। तो जो लोग आप में से शॉपिंग करना चाहें वो यहाँ से आके शॉपिंग कर सकते हैं। महंगे कपड़े भी मिले इस दुकान पे $64 के अंदर। ये एंटीक पीस भी हैं, तो ये चीज़ है।